हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश गाड़ी और आप सभी का क्लिक कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज कंप्यूटर में सीखेंगे टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम के बारे में। दोस्तों, टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और टैली प्राइम में क्या क्या चेंजेस किया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो के माध्यम से इन सभी का बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, टैली प्राइम को 2020 में लॉन्च कर दिया गया था और टैली प्राइम टैली का नया वर्जन है। अब टैली ईआरपी 9 का नाम बिल्कुल हटा दिया गया है और उसके जगह पे नाम रख दिया गया है टैली प्राइम। अब जो भी चेंजेस होगा दोस्तों, टैली प्राइम में होगा, ना कि टैली ईआरपी 9 में। दोस्तों, पहला चेंजेस किया गया है लोगो में। टैली ईआरपी 9 से बिल्कुल अलग है टैली प्राइम का लोगो। तो आए दोस्तों, अब हम टैली प्राइम को ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से टैली प्राइम ओपन हो रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक प्रेजेंटेशन है और यह बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि किताब ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से टैली प्राइम ओपन हो गया है और आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक्टिव न्यू लाइसेंस, यहाँ से यदि आप पहली बार टैली प्राइम में लाइसेंस यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको एक्टिव करने के लिए इस ऑप्शन पर जाना होगा। और यदि आपका पहले से ही लाइसेंस लिया हुआ है जैसे कि टैली ईआरपी 9 में और उसे आप एक्टिव करना चाहते हैं यानी कि रीएक्टिव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस रीएक्टिव ऑप्शन पे आपको जाना है और यहां से आप पुराना लाइसेंस को एक्टिव कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इसे हम एजुकेशन मोड में ओपन करते हैं, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पे आना होगा और माउस से क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे कि टैली का जो इंटरफेस है, यहाँ पे जो टैली का जो टाइटल बार है इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी का ऑप्शन। यहाँ पर माउस से क्लिक करने पर देखिएगा दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, सेट। तो डेटा पे यदि आप क्लिक करते हैं तो डेटा पे आपको ऑप्शन मिलेंगे बैकअप, रिस्टोर। उसी प्रकार यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि यदि आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों कंपनी का। और यहाँ पर भी दोस्तों बटन का लिस्ट दिया गया है, इस पर आप माउस से क्लिक करने पर यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी पर क्लिक करना होगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल गया और इंटर कीजिएगा तो इस प्रकार से कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन मिल गया है। तो मैं यहाँ पर दोनों टैली को ओपन किया है और ये वाला टैली प्राइम का प्रोग्राम है और ये वाला टैली ईआरपी 9 का। और दोस्तों, दोनों टैली का जो कलर है बिल्कुल अलग है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं टैली ईआरपी 9 का कलर और ये टैली प्राइम का कलर। आइए दोस्तों, आप जानेंगे कि गेटवे ऑफ टैली के लिस्ट में जो ऑप्शंस हैं इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। टैली ईआरपी 9 के गेटवे ऑफ टैली के मास्टर में आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अब इधर आते हैं दोस्तों, टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली के मास्टर में आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रिएट, अल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, जैसे कि मास्टर में दो ऑप्शन, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, ये दोनों ऑप्शन दोस्तों आपको टैली प्राइम के क्रिएट ऑप्शन में मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर और इसके नीचे में ऑप्शंस दिया गया है। तो नीचे में आप देख रहे हैं इन्वेंट्री मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर में जो ऑप्शन है वो आप से नीचे देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन। जैसे टैली ईआरपी के 9 के जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। आते हैं इधर टैली प्राइम के ट्रांजेक्शन में, यहाँ भी दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, वाउचर और डे बुक। टैली ईआरपी 9 के ट्रांजेक्शन में दो ऑप्शन है दोस्तों, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। ये दोनों ऑप्शन आपको दोस्तों टैली प्राइम में आपको वाउचर के अंदर मिलेंगे। या दोस्तों, जितने भी वाउचर्स हैं वो सभी वाउचर को आप वाउचर ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। तो नीचे डेबुक का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर आप वाउचर का रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो बाद दोस्तों, नीचे के ऑप्शन में आपको मिल रहा है यूटिलिटीज़ और रिपोर्ट्स। ये दोनों ऑप्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है दोस्तों। टैली प्राइम में बॉस ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया गया है, जैसे कि टैली ईआरपी 9 में जो हम लॉन्ग प्रोसेस में करते थे उसे टैली प्राइम में शॉर्ट स्टेप में कर सकते हैं। आज दोस्तों देखते हैं, जैसे कि लेजर को क्रिएट करने के लिए हमको कितना स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम टैली ईआरपी 9 में देखते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फो में क्लिक कर लेजर पे आते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। या दोस्तों, आपको लेजर क्रिएशन ऑप्शन पे आने के लिए आपको टैली ईआरपी 9 में तीन स्टेप को फॉलो करना पड़ रहा है। अब देखते हैं टैली प्राइम में हमें कितना स्टेप को फॉलो करना पड़ता है लेजर क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्रिएट पे माउस से क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेजर पर माउस से क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों आपको टैली प्राइम में दो स्टेप को फॉलो करना पड़ रहा है। दोस्तों इस प्रकार से टैली प्राइम में लॉन्ग स्टेप को शॉर्ट स्टेप में कर दिया गया है। टैली प्राइम के वाउचर में भी बदलाव किया गया है, आइए इसे क्लिक करके देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ वाउचर का लिस्ट है और प्रत्येक वाउचर के दाहिने तरफ एक बटन का लिस्ट दिया गया है। तो ये दोस्तों नया चीज है, जैसे आप इस बटन पर माउस से क्लिक करते हैं तो देखिएगा पेमेंट से रिलेटेड जो वाउचर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक वाउचर के बटन में यदि आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी वाउचर है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये टैली प्राइम में एक नया ऐड कर दिया गया है। दोस्तों इन सभी वाउचर के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, अदर वाउचर। अदर वाउचर पर माउस से क्लिक करने पर वाउचर से रिलेटेड और भी वाउचर आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों टैली प्राइम में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, गो टू का। गो टू से दोस्तों जैसे कि मान लीजिए यहाँ परचेस कर रहे हैं, ओके, परचेस का यहाँ पे वाउचर क्रिएट करें दोस्तों, और आपको जैसे कि पीछे का रिपोर्ट देखना है तो आप जैसे पहले टैली ERP 9 में एस्केप की दबाते थे फिर पीछे आप रिपोर्ट ऑप्शन पे जाके रिपोर्ट देखते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ टैली प्राइम में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया है गो टू का। गो टू पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप जितने भी रिपोर्ट्स हैं आप जो देखना चाहते हैं आप गो टू में जाके देख सकते हैं। तो देखा जाए तो टैली प्राइम में यह बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों टैली प्राइम में बहुत सा ऑप्शन हाइड किया हुआ रहता है और हाइड किया हुआ ऑप्शंस को देखने के लिए टैली प्राइम में शो का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों जैसा कि हम क्रिएट पे माउस से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर और इसके नीचे में आपको ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अकाउंटिंग मास्टर में और भी ऑप्शंस हैं। तो उन सभी ऑप्शन को देखने तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शो मोर, इस पर माउस से क्लिक कर देना है। तो अकाउंटिंग मास्टर में जितने भी ऑप्शंस थे वो सभी ऑप्शन को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन जो अभी डिस्प्ले हुआ उसे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है शो लेस, इस पर माउस से क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों टैली ERP 9 में जैसे कि हम अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं और यहाँ पे कंपनी फीचर्स ओपन होता है और तीनों फीचर्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैचरी एंड टैक्सन। हमें तीनों फीचर्स में जाने के लिए एक एक करके क्लिक करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे जाना है क्लिक किए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों टैली प्राइम में बिल्कुल अलग है, आपको तीनों फीचर्स एक ही जगह मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों कंपनी फीचर्स को ओपन करने के लिए टैली प्राइम में कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं और यहाँ पर माउस से क्लिक कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कंपनी फीचर्स ओपन हो गया और तीनों फीचर्स को एक पेज में ही डिस्प्ले कर दिया है, जैसे आप देख रहे हैं अकाउंटिंग्स, इन्वेंट्री और टैक्सन। लेकिन दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं सभी फीचर्स के सभी ऑप्शंस को यहां पे नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको जितने भी फीचर्स होते हैं कंपनी फीचर्स में वो सभी को देखना हो तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है शो ऑल फीचर्स, यहां पे नो किया हुआ है, यहां पे आके आपको यस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा टैली ERP 9 और टैली प्राइम में क्या क्या डिफरेंस है और टैली प्राइम में क्या क्या चेंजेस किया गया। ओके दोस्तों, यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।